इधर राजस्थान में उपचुनाव का दंगल चल रहा है और इस दंगल में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। दौसा सीट पर बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनावी मैदान में हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से न्यूज 18 राजस्थान संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि दौसा सहित सभी 7 सीटें बीजेपी जीतेगी। सुनिए। 7 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं और प्रचार चुनाव का पूरा करके 64 बिच चुकी है। किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं। सर, आपका भाई दौसा से मैदान पे, किस प्रकार का 7 सीटों का सिनेरियो? मेरा भाई नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, निष्ठावान, सौम्य स्वभाव वाला और जनता की सेवा मेरे साथ कर रहे थे नौकरी में रहते हुए, सबसे बड़े जनसेवक के, मेरे से भी बड़े जनसेवक। आप कह रहे थे कि मैं तो परशुराम की तरह, मेरे को तो गुस्सा आ जाता है। आपने देखा होगा कई बार मेरे को गुस्सा आ जाता है, एक दो बार आप पे भी आ गया था, लेकिन आपने मेरे को माफ़ कर दिया था। बाद में जनता माफ़ कर देती है, लेकिन उनका तनिक भी गुस्सा नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा ही। केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार, आप कह रहे हो कि अगर ये भी भाई जीत गया तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, तो क्या होगा ट्रिपल इंजन? ट्रिपल इंजन की सरकार होते ERCP का पानी जल्दी आएगा, इंडस्ट्रियल एरिया जल्दी विकसित होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम सही होगी, भाईचारा समरसता बढ़ेगी, एजुकेशन का हब बनाने में 3-3 आदमी जाके जब बैठेंगे सरकार के पास, भाई ये काम करो। सचिन पायलट एक तरीके से सामने, क्योंकि DC बैरवा का जो टिकट है वो पायलट साहब के कार्यकर्ता माने जाते हैं, तो किस प्रकार का मुकाबला पायलट साहब से मानते हैं आप? देखो, पायलट, मैं किसी पायलट परिवार का यहाँ आधिपत्य रहा है, पायलट साहब, उनकी धर्मपत्नी और सचिन पायलट यहाँ से सांसद रहे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन कांग्रेस ने उनका सम्मान नहीं किया पूरे परिवार का। राजेश पायलट था, जब भी उनका अपमान किया गया, और सचिन पायलट को किया ही है, तो हर गुजर मतदाता जानता है कि उस अपमान का बदला लेना है और उस जगमोहन को वोट देके इस इलाके की जनता बदला ले। 7 सीटों में से कितनी सीट बीजेपी की मानते हैं? 7 की 7।